हाय, आई एम आर्यन। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा आज का सेंटेंस है कभी ना कभी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सुनर और लेटर। कभी ना कभी हम लोग अक्सर सेंटेंस में बोलते हैं, कभी ना कभी तुम तो मेरे पैसे दोगे, कभी ना कभी तो तुम पछताओगे, कभी ना कभी तुम आओगे। तो कभी ना कभी का इंग्लिश होगा, इंग्लिश में बोलेंगे सुनर और लेटर। इसका मतलब होता है भविष्य में कभी, किसी दिन, कभी न कभी, देर सवेर, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं सुनर और लेटर। तो आइए इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। नंबर 1, कभी न कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सुनर और लेटर यू विल नीड मी। इंग्लिश में बोलेंगे सुनर और लेटर यू विल नीड मी। नंबर 2, कभी ना कभी तो वह यहाँ आएगा। सुनर और लेटर ही विल कम हियर। नंबर 3, कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सुनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। नंबर 4, कभी ना कभी तो तुम मेरे पैसे दोगे। सुनर और लेटर यू विल गिव माई मनी। नंबर 5, कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सुनर और लेटर यू विल रिग्रेट। तो इंग्लिश में बोलेंगे सुनर और लेटर यू विल रिग्रेट। और लास्ट वाला है, कभी ना कभी तो मैं इंग्लिश बोलूँगा। इसे आपको कमेंट में लिख के बताना है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोज के।